पांच साल से माँ बनने की कोशिश कर रही हैं संभावना सेठ। पिछले पांच साल में एक्ट्रेस ने लिए कई दर्द भरे इंजेक्शन। माँ ना बनने पर छलका संभावना का दर्द। कहते हैं माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। एक औरत माँ बनने के बाद ही पूरी होती है, लेकिन अगर ये सुख किसी औरत को ना मिले तो वो पूरी जिंदगी खुद को अधूरा महसूस करती है। ऐसा ही दर्द एक्ट्रेस संभावना सेठ भी झेल रही हैं। यूं तो संभावना अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। संभावना बेहद बिंदास और बेबाक हैं। गलत के खिलाफ आवाज उठाना उन्हें बखूबी आता है। संभावना फिलहाल फिल्मी पर्दे और रियलिटी शोज से दूर हैं, लेकिन अपने YouTube चैनल पर एक्ट्रेस अपनी डेली लाइफ से जुड़ी जानकारी शेयर करती रहती हैं। जैसे इस बार उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की बात शेयर की है। साल 2016 में संभावना ने अविनाश द्विवेदी संग शादी करके जिंदगी का नया चैप्टर शुरू किया था। संभावना को बच्चों से बेहद लगाव है, इसलिए उन्होंने शादी के एक साल बाद ही बच्चे की प्लानिंग शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने मां बनने के लिए IVF का सहारा लिया था। दरअसल उम्र में ज्यादा बड़ी होने के चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। संभावना ने चार बार IVF के जरिए मां बनने की कोशिश की, लेकिन उन सभी कोशिशों में वो नाकाम रही। हालांकि इतना सब हो जाने के बाद भी संभावना की हिम्मत नहीं टूटी और वो पांचवीं बार IVF के जरिए मां बनने की कोशिश कर रही है। इन सारी बातों को खुद संभावना ने अपने YouTube ब्लॉग में शेयर किया है। संभावना ने अपने दिल की बात शेयर करते हुए बताया कि लोगों ने उन्हें मां ना बनने को लेकर कई ताने मारे। संभावना का कहना है कि लोग उनसे कहते रहते हैं कि बच्चा कर लो, कब तक कुत्तों के बच्चों को पालोगी। इसी के साथ साथ कई लोग तो उनके बढ़े हुए वजन को लेकर भी भद्दे कमेंट्स करते हैं। संभावना ने बताया कि लोग उनके बढ़ते वजन पर ताने सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि IVF प्रोसेस में लगने वाले इंजेक्शन कितने दर्द भरे होते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें इंजेक्शन के लगने की वजह से शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से वो मोटी हो गई हैं। संभावना इस दौरान बेहद इमोशनल नजर आई, लेकिन एक्ट्रेस ने खुद को फाइटर बताते हुए सभी से प्यार और सपोर्ट की मांग की। बता दें कि संभावना भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं। संभावना अपने डांस नंबर के लिए भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस अब भी स्टेज पर परफॉर्म करती हुई देखी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।